तो फाइनली स्पॉट पे पहुंच गया मैं। यह है स्पॉट। ये स्पॉट पे फीडर पे दबा के शिकार होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फीडर पे शिकार कर रहा हूँ आज। ये चारा है, ये नया कुछ भी नहीं है, ये पुराना ही है। केक है, कोंडा है, चावल का आटा है, तीन आइटम है इसमें। रुखा रुखा रहना थोड़ा, ये अच्छा लगा लेना। बाद में ये हुक्कों को अच्छा थोड़ा प्रेस करना, अच्छा थोड़ा प्रेस करना। अब इसको मच्छी कैसा हुक होती बता दो। तो अंदर डालने के बाद हिसाब से बैठता, थोड़ी देर के बाद ये आटा भूल जाने की वजह से ये हुक से निकल जाते, निकल के ऐसा नहीं गिरते। ये पॉपअप्स है ना, इसको ऐसा उठा के रखते। एक पोजीशन पर रहता अंदर। बहुत लोग क्या समझते बोले तो, मच्छी इसको खाती समझते, इसको नहीं खाती मच्छी। मच्छी जब यहाँ आटा खाती रहती, ये हिसाब से खाती रहती, तो थोड़ा टच होते कि भागती, भागे तो ये अंदर प्रेस हो जाता। ये हिसाब से हुक होती मच्छी। होना है तो एक मच्छी पकड़े आज मैं बताता हूँ। मैं देखो इसको मुंह के अंदर नहीं, ऊपर लगे हुआ रहता हूँ, ऐसा ऊपर के हिस्से में लगे हुआ रहता। चार फिलहरा मारता हूँ आज, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, कम से कम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ये स्पॉट पे फीडर पे बड़े बड़े साइजा मारा मैं, रहू मिर्गल कटला। आप लोगों को अगर वो वीडियोस देखना है तो ये वीडियो के एंड स्क्रीन पे आते वीडियोस, ये स्पॉट के है वो। अगर से ये स्पॉट पे एक बिग साइज लग गया तो डब्बे की रफ्तार देखने का रहता, देखने का कुछ भी नहीं रहता। 10 सेकंड के अंदर डब्बा नहीं पकड़े तो डब्बा दिखता भी नहीं, डब्बा रॉकेट बन जाता है। इसलिए मैं लकड़ियों का सपोर्ट लगाया। अब जो मार्क कर रहा हूँ मैं, वो डब्बा घूमने वाला है, देखो तुम लोग। अब ये डब्बा थोड़ा घुमा बोले तो इसको कोई सी पीस है कि नहीं मालूम, देखेंगे। अब छोटी पीस होंगी तो कैमरा स्टैंड पे लगा दिया मैं। हमारा दोस्त वहाँ पे गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके, पानी में सो गया जाके। ये गर्मी के दिनों में ऐसे स्पॉट पे शिकार करना बोले तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे बोल के आया आज के दिन हमारे साथ। ये स्पॉट पे क्या हुआ बोले तो, क्या नहीं हुआ पूछो, बहुत कुछ हो गया, देखो आगे मालूम होगा आप लोगों को।
आप लोगों को जो पीस दिख रही ये आज की पहली और आखिरी पीस यही है। ये जो मार्क करा मैं वाइट कलर में, ये पूरा बैट है हमारा, 3 किलो का बैट है, रेडी करके रख लिए थे। ये स्पॉट पे किधर भी एक झाड़ नहीं है, दबा के धूपा मार रहे तो छांव का इंतज़ाम करेंगे बोल के हम लोग काम पे लग गए। पीछे से कुत्ता आके आटे का कवर ले लेके राइट। तो अब शिकार क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, मिलेंगे अगले वीडियो पे। एक अच्छा स्पॉट देखेंगे, ठंडा सुकून का स्पॉट देखेंगे, शिकार करेंगे, मासाई पेट पे मिलेंगे, मासाई पेट ज़बरदस्त रहता। जब तक देखते रहो SST फिशिंग।